हेलो गाइस, तो इस समर सीज़न में चलिए मैंगो से बनाते हैं मैंगो पॉप्सिकल और मैंगो कुल्फ़ी। इससे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी रेसिपी है। सबसे पहले एक पर मैंगो ले लेंगे, इसे हम पील कर लेते हैं अच्छे से। इसे कट कर लेना है, कट करके फाइनली चॉप कर लीजिए और इसे एक ब्लेंडर जार में डाल देंगे। शुगर अपने टेस्ट अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। अगर हम ज़्यादा मीठा हो तो कम डालेंगे। ये हम दूध की मलाई डाल रहे हैं, फ्रेश दूध की मलाई डालिए, थोड़ी सी इलायची और चलिए इसे ब्लेंड कर लेते हैं। ब्लेंड होने के बाद ये देखिए कुछ इस तरह से दिखेगा। अगर ये बहुत ज़्यादा थिक लग रहा हो तो थोड़ा सा आप इसमें दूध ऐड कर सकते हैं। इस तरह से चलिए इसे एक मोल्ड में इसे ऐड कर देते हैं। इस तरह से सारे हम मैंगो के पेस्ट को इसमें डाल देंगे और अच्छे से चलिए इसे स्टिक लगाकर कवर कर देते हैं और इसे फ्रीजर में 8 घंटे के लिए जमने देते हैं। 8 घंटे बाद ये लीजिए, मैंगो आइसक्रीम पॉप्सिकल इज़ रेडी। इसे एंजॉय कीजिए इस समर में। और आप चलिए दूसरी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं और हम बनाते हैं मैंगो कुल्फ़ी। सबसे पहले हम थोड़े से काजू बादाम डाल लेते हैं इसमें और इसे अच्छे से क्रश कर लेते हैं। इसे इस तरह से हम क्रश कर लेंगे और ये देखिए पाउडर ये निकाल लेते हैं हम एक बोल में। बहुत ही इजी रेसिपी है, फटाफट बनकर तैयार हो जाएगा, ना ही हमें बाज़ार से लाने की। आराम से इसे घर पे बनाइए और एंजॉय कीजिए। इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर, ये मिल्क पाउडर 2 चम्मच हम डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा कुल्फ़ी मिक्सचर रेडी हो गया। और चलिए इसमें जो हमने थोड़ा सा केसर भिगो के रखा था वो डाल देते हैं और मैंगो की प्यूरी जो हम मैंगो पॉप्सिकल में यूज़ किया था वो डाल देते हैं। इस तरह से मिक्स कर लेंगे। इस तरह चलाइए बिना लम्स के और ये देखिए रेडी हो गया हमारा कुल्फ़ी मिक्सचर। नहीं हमने गैस जलाया और चलिए इसे कुल्फ़ी मोल्ड में डाल देते हैं। इस तरह से आप इसे फिल कर लीजिए कुल्फ़ी मोल्ड में। चलिए इसे एक अलमुनियम फॉइल से कवर कर देते हैं और बीच में एक चाकू की हेल्प से इसमें होल कर देंगे, ये देखिए। और इसे हम स्टिक लगा के डीप फ्रीजर में 4 घंटे के लिए इसे जमने के लिए रख देते हैं। और ये देखिए कुल्फ़ी, घर पर ही मलाईदार कुल्फ़ी इज़ रेडी। इसे एंजॉय कीजिए। थोड़ा सा हम इसके ऊपर काजू और बादाम को क्रश करके डाल देंगे। इस तरह से डाल दीजिए, गार्निश कीजिए थोड़े से केसर के धागे और इस समर में इसे एंजॉय कीजिए। मैंने अपने चैनल पे और भी आइसक्रीम की रेसिपी दी है, आप चाहे तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।